महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से गांधी भवन स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधायक अनिता बदेल, महापौर ब्रजलता हाड़ा के साथ ही भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने सफाई कर्मचारियों को साड़ी देकर सम्मान किया। बताया कि महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा परमो धर्म की बात करते थे और शांति सद्भाव बना रहे, इसका संदेश उनकी जन्म जयंती पर दिया जाता है। साथ ही इस मौके पर स्वच्छता रखते हुए आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आज 2 अक्टूबर को इसका समापन है। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां रक्तदान, स्वच्छता के लिए संदेश देने वाले युवाओं का सम्मान और माल्यार्पण कर आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है, साथ ही हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान सरकार द्वारा इस जन्मदिन के पर्व को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा परम धर्म के आधार पर हमने जो स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी ने चलाया, उसके तहत घर घर स्वच्छता का कार्यक्रम हाथ में लिया गया। आज गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर यह संकल्प दोहराया गया है कि हम राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए सत्य की स्थापना के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहे। पिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है 2 अक्टूबर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हम सबको आज़ादी दिलाई और अहिंसा का उन्होंने एक पैगाम दिया, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के 17 सितंबर से लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़े के रूप में इसको पूरी भारतीय जनता पार्टी देश भर में मना रही है। आज उसके तहत आज 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान, रक्तदान, ऐसे कई तरह के भारतीय जनता पार्टी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारी सारी जनप्रतिनिधि, इन सब के नेतृत्व में आज पूरे अजमेर और पूरे प्रदेश और देश के अंदर आज महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर सेवा कार्य का भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम रखा गया। उसी के अंतर्गत आज अजमेर में स्वच्छता अभियान का एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, फिर ब्लड डोनेशन का भी है, फिर जवाहर रंगमंच में जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन सबको हम सब सम्मानित करेंगे। हमारे नगर निगम द्वारा भी और बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में भाग लिया है, और हम चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो संदेश था, इस देश को स्वच्छ रखें, उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का ये नारा है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, और इसी पर आज काम किया जा रहा है।